सब्सक्राइब कीजिए ऑन टॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पाइए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro के डिवाइस में एक और MIUI 11 की अपडेट 11.0.3.0 की अपडेट देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अबाउट फोन में आप लोगों को सिस्टम ऑपरेटर में अपडेट देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं आप लोग यहाँ पर सेटिंग में लेकर अबाउट फोन में दिखाता हूँ, उसमें देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है Redmi Note 5 Pro डिवाइस में MIUI 11 ग्लोबल 11.0.2.0 की अपडेट देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आपके फोन में 11.0.3 की अपडेट देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों हो सकता है कि आपके डिवाइस में सिक्योरिटी पैच नवंबर की देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाती है MIUI 11.0.3.0 की अपडेट। अब दोस्तों इस अपडेट में जो भी नए फीचर देखने को मिलेगी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बनाकर बता दूंगा कि क्या क्या इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है। और बाय द वे थैंक यू उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर किया है। गाइज आप लोग वेट कर रहे थे कब Redmi Y2 की डिवाइस में और Redmi Note 5 Pro की डिवाइस में नेक्स्ट अपडेट देखने को मिली थी। जैसा कि दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ये वाली स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं तो आप लोगों को यहां पर क्लियरली देखने को मिल जाती है मी कम्युनिटी पर ऑफिशियल दोस्तों आप लोगों को ये पोस्ट देखने को मिल जाती है कि Redmi Y2 और Redmi Note 5 Pro की डिवाइस में अपडेट को सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। दोस्तों इन दोनों डिवाइसेज में अपडेट को रोकने के रीजन ये थे कि इन डिवाइसेज में काफी सारे आप लोगों को बग्स वगैरह देखने को मिल रही थी, बहुत सारे इशू देखने को मिल रही थी, डिवाइस में स्टेबिलिटी की इशू देखने को मिल रही थी, जिसके वजह से इन दोनों डिवाइसेज की अपडेट को रोक दिया गया था। फर्दर इसमें कोई भी टेस्टिंग वगैरह नहीं हो रही थी, ना ही बीटा यूजर्स के लिए और ना ही पब्लिक यूजर्स के लिए। लेकिन दोस्तों आज फाइनली अगर आप Redmi Note 5 Pro की डिवाइस को यूज करते हैं और आपकी डिवाइस में अगर MIUI 11.0.2.0 की अपडेट थी और अगर आप सेटिंग में जाकर सिस्टम अपडेट में चेक करेंगे तब दोस्तों आपको यहाँ पर MIUI 11.0.3.0 की स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगी। दोस्तों ये अपडेट भी आप लोगों को पार्शियल देखने को मिलेगी, सभी डिवाइस में ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। अगर अभी आप लोग चेक करेंगे, अगर अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोग अपने फोन को में और आप लोग सिस्टम अपडेट जाकर चेक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर OTA देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग बाद में चेक करेंगे तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अपडेट पार्शियल रिलीज होती है, आप लोग अपडेट को नहीं करेंगे तो वो अपडेट दूसरे डिवाइस में शिफ्ट कर जाती है। तो जब आपके डिवाइस में अपडेट देखने को मिलती है तभी आप लोग अपने डिवाइस को अपडेट कर लें। तो दोस्तों मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब की कम्युनिटी पेज में आप लोग को अपडेट कर देता हूं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो किया करिए अगर आप लोग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो अपडेट दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 389 MB की अपडेट देखने को मिलेगी अगर आप लोग 11.0.2.0 की अपडेट में है और ये पाई बिल्ड है, और अगर आप लोग प्रीवियस वर्षन पे है MIUI 10 पे है तो आप लोगों को ये अराउंड 1 GB की OTA साइज देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके डिवाइस में MIUI 11 के अपडेट के बाद क्या क्या नए फीचर देखने को मिलेंगे तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को देख लेना। इस अपडेट में दोस्तों अगर आप लोग नोट 5 प्रो के डिवाइस में यूज कर रहे हैं तो आपके फोन में जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, बैटरी की, रिबूटिंग की, हीटिंग वगैरह के जो इशू देखने को मिल रही थी दोस्तों, उसे इसमें फिक्स किया गया है। तो अगर आप लोग अपने डिवाइस को अपडेट कर चुके हैं OTA के थ्रू तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आप लोग अपडेट नहीं कर पाए तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इसे मैनुअली भी अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। तो सेटिंग में जाने के बाद आप लोग अबाउट फोन में जाएंगे, सिस्टम अपडेट पर टैप करेंगे, इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, आपके फोन में ये सारे ऑप्शन नहीं आते तो आप लोग को इस MIUI 10 MIUI 11 लोगों पर मल्टीपल टाइम टैप करना, तो आपके एडिशनल फीचर यहाँ पर ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने जिस फाइल को डाउनलोड किया है, जहां भी उसे सेव किया है, थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद चूज अपडेट पैकेज में जाना, और जहां भी उसे सेव किया है उसे चूज कर दोस्तों आप लोग अपने फोन को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के टाइम हो सकता है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिले कि बीटा फेस में है, तो अगर बीटा फेस में देखने को मिले दोस्तों तो उनके सर्वर से इस अपडेट को लॉक कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जब भी आप लोग कोई भी फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बना ले, क्योंकि जब भी उनके सर्वर से ओपन होगा तब आप लोग उसे इंस्टेंट अपने डिवाइस को इस मेथड से अपडेट कर सकते हैं अगर आपके फोन में OTA देखने को नहीं मिल रही है, या फिर दोस्तों आप लोग ऑफिशियल वेट कर सकते हैं अगर आप लोग मैन्युअली नहीं करना चाहते हैं तो आपके डिवाइस में OTA देखने को मिल जाएगी 3 से 4 दिन के बाद, अगर सब कुछ ठीक था, कोई बग देखने को नहीं मिली जैसा कि लास्ट टाइम बग देखने को मिली थी तो अपडेट को सस्पेंड कर दिया गया था Note 5 Pro के लिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं Redmi Y2 के डिवाइस में, तो Redmi Y2 के डिवाइस में दोस्तों आप लोगों को 2 या 3 दिन में अपडेट देखने को मिलेगी, इसकी भी अपडेट आप लोगों को जल्दी रिज्यूम हो जाएगी। तो जैसी भी दोस्तों अपडेट आती मिल जाती मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग अपने डिवाइस को चेक करेंगे तो अपडेट देखने को मिल गई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हैं मतलब आप लोगों को फोन में नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिली है, इस वजह से दोस्तों आप लोग अपने डिवाइस को अपडेट नहीं कर पाए, तो नोटिफिकेशन बेल को दबा देना अगर आप लोग इंस्टेंट अपने डिवाइस को अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो बनाकर क्योंकि मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जब भी कोई अपडेट आती है, और आप लोग नोटिफिकेशन बेल को दबा कर रखेंगे तो आप लोगों को जल्दी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना,
और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना।